आ गया मैं तो मेरे भाई लोग, कैसे हो? स्वागत है आपका पबजी मोबाइल लाइट गेम प्ले वीडियो में। और यार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो भाई, इस वीडियो में मुझसे हो जाती है एक गलती। अब वो गलती क्या है वो तो आपको थोड़ा टाइम बाद पता चलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सिंक डेल्टा में, जो कि मतलब एकदम घटिया लगता है मुझे ये पानी वाला शहर, बहुत ही घटिया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देख लो लैंड होता हूँ, और उसके बाद सबसे पहले गन ढूंढेंगे। और वो जो गलती है ना वो आपको तो आगे पता चलने वाला है। और उसके साथ साथ ये मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो गलती मतलब होगी, देखना मुझे कौन मारेगा। मतलब देखो, अरे यार इतना क्यों बोल रहा हूँ, देख लेना आप। तो यहाँ पे मुझे ठीक ठाक गन मिल जाती है, और उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से बंदे को तलाश में जाता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे दो स्क्वाड आई थी, यहाँ पे स्मोक वगैरह हो रखा है, तो भैया आप बंदे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे एक घटिया स्प्रे देता है उस कारल का, वो बंदा भग के भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे ये दूसरा बंदा आ जाता है, कतई मतलब शॉटगन पकड़ के आता है, और शॉटगन तो भैया लेकिन कैसे तैसे इसे भी नॉक कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे पीछे भी गोलियाँ चल रही है, और इसका टीममेट आता शायद। तो ये शायद इसी का टीममेट था, तेरा यार नाम है भाई, मतलब बचाने आया था। लेकिन ये कब बचाने आ रहा है जब इसका टीममेट मर चुका है? अब ये बंदा शायद मेरी फायरिंग सुन के आया है, या फिर ये इसका टीममेट था, इसके बारे में मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं। इन दोनों की पेटी सीधा बना दिया, और उसके बाद मैं बाकी बंदे ढूंढने लगता हूँ यहाँ पे। अब देखो भाई, यहाँ पे पूरी शांति है, मतलब आवाज़ का कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ पे बंदे छुप के बैठे क्या है मतलब पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे एक बॉट आता है, तो मैं इस बॉट की फटाफट पेटी बनाता हूँ। तो भैया जब तक मैं बंदे ढूंढ रहा हूँ, आप कर दो चैनल सब्सक्राइब, और यार इस वीडियो को लाइक करना यार, आप लाइक करते नहीं हो तो कर दो लाइक। तो यहाँ पे बंदे ढूंढ रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे डीपी उठा लिए, क्योंकि देखो वहाँ पे बुलेट स्कारल की थी नहीं। और मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे एक बंदा। तो देखो ये बंदा यहाँ पे मिलता है, जो कि डीपी पकड़ के आया था, लेकिन भाई इसकी अब पेटी डलने वाली है। और इसके बाद यहाँ पे सामने और बंदे दिखते हैं मुझे। तो यहाँ पे मुझे एक और बंदा दिखता है, जिसे मैं डीपी से मतलब एक घटिया स्प्रे मार के पेलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वही मतलब डैमेज तक नहीं हुआ। तो यहाँ पे वही बंदा मुझे फिर से भागते हुए दिखता है, जिसे मैं इस बार थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। और उसके बाद भैया इसे पेलना है, तो अब देखो रश करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे रश करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किस टीम के बंदे हैं, यहाँ पे कितनी टीम आई, और मतलब कौन किस टीम का है, कहाँ से रश कर रहा है, भैया कुछ पता नहीं है। तो थोड़ा वेट करेंगे और थोड़ा तमीज़ से खेलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे AKM वगैरह M4 वगैरह चल रही है, तो अब मुझे ढूंढने थे बंदे। तो मैं यहाँ पे पहले बग्गी में बैठता हूँ, फिर मुझे सामने कुछ बंदे दिखते हैं तो मैं इरादा चेंज कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि बंदे यहीं पे हैं। तो यहाँ पे एक बंदा मुझे वहाँ पे सामने फाइट लेते हुए दिखता है, जिसे मैं नॉक कर देता हूँ, और उसके बाद इसके टीममेट लोग मुझ पे रश बोल देते हैं। तो देखो इन्हें कैसे निपटाते हैं।
Enemy down. तो यार इस वाली स्क्वाड वाइप को छोड़ो, यहाँ पे जो ये बंदा था, आप बताओ मुझे ये क्या कर रहा था। ये चूतिया यहाँ पे सीधा ऐसे खड़ा होता है और उसके बाद मतलब नॉक, इसको देख के ना मुझे विशाल की याद आ गई। अब सोचो विशाल इस मैच में होता ना तो मैं यहीं पे ठिल जाता, मुझे पता है। वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पे सोलो स्क्वाड खेल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ईजी हो रहा है। मतलब विशाल रहता है तो ऐसा लगता है सोलो स्क्वाड नहीं, सोलो डबल स्क्वाड खेल रहा है। मतलब सामने दो बंदे भी हुए, चार बंदे हुए तो मुझे लगता है 100 बंदे हैं सामने। ये मतलब विशाल का भैया अलग ही गलत सीन होता है। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को ठिलाता हूँ, लेकिन जब मैंने एक बंदे को नॉक किया था तो यार वहाँ पे लिख के कुछ नहीं आया कि एनिमी डाउन वगैरह, तो मुझे नहीं पता अब यहाँ पे भैया वो किल मेरी थी या फिर किसी और ने ले ली। तो ये सब छोड़ते हैं और उसके बाद चलो अब बाकी बंदे ढूंढने चलते हैं। यहाँ पे सामने बंदे थे लेकिन भाई वो लोग मिलते नहीं, तो देखो यहाँ पे वो बंदे मिलते नहीं। तो यहाँ पे मैं अपनी सस्ती बग्गी उठाता हूँ जिसका एक टायर पहले ही फूट चुका है, तो बग्गी उठा के आगे चलते हैं। और यहाँ पे रेड जोन वगैरह चालू है भैया, रेड जोन से बहुत ही खतरनाक रिश्ता है मेरा। मैं फटाफट से गाड़ी यहाँ पे बग्गी फिर से उठाता हूँ दूसरी चेंज करके, और यहाँ पे गाड़ी लाता हूँ और यहाँ पे इस गाड़ी को उठा लेता हूँ, जो कि मतलब आगे देखो क्या होता है। तो हाँ यार इस चीज़ के लिए एक लाइक करना, मुझे तो लगा भैया ख़त्म यहीं पे हो गया, लेकिन गाड़ी कैसे भी देखो यार स्टंट मैन है अपन, मतलब देख रहे हो मतलब सीधा भी कर लिया और सामने बंदे। तो यार आप लोग सोच रहे हो कि मैंने एक बंदे को नॉक किया लेकिन मैंने वहाँ पे रश क्यों नहीं किया। देखो वो बंदे सामने पहले ही फाइट ले रहे हैं और यहाँ पे मैं एक बंदे को एक बार नॉक करके रश नहीं कर सकता, क्योंकि भैया मुझे डर रहा है इस 12K का। और अगर किसी के पास RPG निकल गई तो भैया वो भी खतरनाक। और आजकल के बंदे बहुत होशियार है, जब तक बंदों को मतलब एकदम पॉइंट पे नहीं मारेंगे ना तब तक RPG चलाते नहीं। उन्हें भी पता है, सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि इसके पास RPG है तो वो आएगा नहीं। तो फाइनली मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकता हूँ और उसके बाद आगे रश कर देता हूँ। और चलो आपको मिला एक सांप से। तो यार इस सांप को देख रहे हो, मतलब लेटने की क्या ज़रूरत है इस तरीके से, अब क्या ही बोलना। इसकी मैं सीधा पेटी बनाता हूँ और यहाँ पे सामने बंदे हैं जो कि यार भाग रहे थे और उन्हें पेलने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और तभी एक बंदा आ जाता है यहाँ पे। तो यार ये बंदा पूरी स्पीड में यहाँ पे घुस रहा होता है, मैं इसे सीधा नॉक करके फिनिश भी कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे फुटस्टेप वगैरह आ रहे थे और गोलियाँ भी चल रही थी, तो मुझे लगा यहाँ पे और कोई आएगा। लेकिन सब बंदे यहाँ पे जोन में भाग रहे होते हैं और यार वो टाइम आने वाला है कि मैं क्या गलती करता हूँ। और यहाँ पे देख रहे हो माउली वगैरह हो रहा है, तो जो बंदा है मतलब क्या करेगा आप खुद ही देख लो। तो यार ये बंदा वहाँ पे सामने फायरिंग कर रहा था, अब मुझे बता माउली किसने की, मतलब की होगी तो इसी ने की होगी ना। अब ये हरामी माउली करके वहाँ पे मतलब किसी और को पेलने लगता है, तो मैं इसकी सीधा पेटी बनाता हूँ और उसके बाद गाड़ी उठाएंगे और सीधा जोन में जाएंगे, क्योंकि भैया जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। तो जहाँ पे मैंने गाड़ी
लगाइए मैं जाता हूँ वहाँ पे गाड़ी लेने। अब देखो गलत सीन यहीं पे होने वाला है, और वो गलत सीन मतलब देखना किससे होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे स्मोक वगैरह दिखता है, तो मैं यहाँ पे स्मोक में गाड़ी पेलता हूँ। मैंने सोचा तुक्का लग जाएगा और एक बंदा नॉक कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे घंटा कोई नॉक नहीं होता। उसके बाद मैं गाड़ी यहाँ पे लाता हूँ और देखो यहाँ पे क्या होता है। अब देखो मैं किल की लालच में गाड़ी यहाँ पे फटाक से रोकता हूँ, और वो सामने वाले बंदों को स्प्रे करने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन भैया तभी यहाँ पे ग्रोजा लेके, मतलब ग्रोजा लेके साइड में एक बंदा आता है, जो कि मतलब मैंने पेल दिया उसे। लेकिन यार गलत सीन होने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक किया। अब यहाँ पे मैं रश करने के लिए सीधा छलांग लगाता हूँ, और हेल्थ देखो मेरी। अब देखो गलत सीन, तो भाई मुझे पता था हो गए काम यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हो #2, मतलब आधे बंदे और जोन से मर गए थे, जो 3-4 बचे थे। उसके बाद मतलब एक ही बंदा बचा था, और मैंने यहाँ पे जो रश करने की और किल लेने की जो खुजली थी, उसके वजह से मैं यहाँ पे जोन से मर गया। तो हाँ भाई यार, थोड़ा तमीज़ से खेल लिया करो। मैं तो मतलब ऐसा कोई बेवकूफ़ी होगा कि मतलब ये सब करे, और हम बेवकूफ़ी है। तो यार आप लोग थोड़ा तमीज़ से खेल लिया करो। मतलब ये मुँह से हाथ डाल के किसी ने चिकन निकाला है, और वो चिकन मतलब मैंने अपने मुंह में हाथ डाल के खुद ही चिकन निकाल लिया है। तो यार उस मैच को छोड़ो, यहाँ पे एक दूसरी मैच में आते हैं, और यहाँ पे मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस डुओ। तो यार इस वाली मैच में आपका स्वागत है, और यार इस वाली मैच में कैसे भी करके चिकन निकालना पड़ेगा, क्योंकि भैया पिछली मैच में जिस तरीके से मरे उसके बाद मतलब क्या ही बोला जाए। तो इस मैच में मैं आता हूँ स्टेडियम पे, और यहाँ पे बंदे भी मेरे साथ साथ आ रहे हैं। तो यार यहाँ पे उतरते ही मेरे हाथ ही M16 लग जाती है, और साइड से मुझे फुटस्टेप आते हैं, तो इसे पेलने जाता हूँ। तो यार ये बंदा भी अकेला ही खेल रहा होता है, या फिर इसका टीममेट को पहले ही किसी ने पेल दिया, पता नहीं। लेकिन मैं इसे यहाँ पे M16 चिपकाता हूँ, और ये सीधा फिनिश। और यहाँ पे मेरे हाथ तो लग चुकी है S12 के, और ऊपर बंदे। तो यार मतलब देख रहे हो S12 के चिपका रहा हूँ, लेकिन भैया ये तो ऊपर से सुपरमैन बन रहा है, और यहाँ पे S12 के चिपकाओ। मतलब ये एक चीज़ आपने नोटिस की, जब मैं S12 के यूज़ करता हूँ तो इतना कम डैमेज होता है, और सामने वाला बंदा मतलब उसे M4 से कितना चिपका लो भैया, वो दो चिपकाएगा सिर्फ तुम्हें, और तुम्हारी वहाँ पे बोलती सीधा बंद हो जाएगी। लेकिन जब मैं ऐसा करता हूँ ना, तो बंदे S12 के से ठिलते ही नहीं, पता नहीं क्या सीन है। तो यहाँ पे इन दोनों को भी ठिला दिया। तो यहाँ पे हो चुका है स्टेडियम क्लियर। अब स्टेडियम में बंदे आए नहीं होते, लेकिन यहाँ पे सामने फायरिंग की आवाज़ें आ रही होती है। तो पहले जाता हूँ, ये सामने एक बॉट दिखता है जिसको मैं पेलता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सामने एक और बंदा दिखता है। तो अब मैंने ट्राई किया था कि उसको कार 98 चिपका दूँ, लेकिन भैया सस्ती स्नाइपिंग नहीं चिपकती कार 98। और उसके बाद देखो कैसे निपटाएंगे इन्हें, अब निपटा भी पाता हूँ कि नहीं वो तो आपको थोड़ा आगे ही पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं उसके M4 चिपकाता हूँ, लेकिन भैया वो नॉक होता नहीं। अब देखो मैंने नॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नॉक होता नहीं, तो मैं सीधा गाड़ी लेता हूँ और इन बंदों पे पुश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बंदों पे पुश कर रहा था, लेकिन तभी ये गाड़ी वाला आता है, और ये गाड़ी वाला मेरे को कुछ हल्के में लेगा, और मतलब नशे में ही था। तो देखो मैं इसे कैसे मतलब पेलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगा ड्रॉप के पास। Down.
तो यार इसके साथ मतलब बहुत ही गंदा वाला स्कैम हुआ। अभी से लगता है कि ये गाड़ी से भैया पहली देगा, तो ये मतलब गाड़ी मतलब उतर के फाइट लेनी नहीं, गाड़ी चलानी। अब भाई के पास लूट वगैरह पता नहीं क्या सीन था, लेकिन भैया गलत सीन हो गए, इसे मैंने सीधा ही पेल दिया। तो मैं अब गाड़ी लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ इन बंदों के पास जिनको मतलब मैंने यहाँ पे नॉक किया था। अब इतने देर बाद आ रहा हूँ तो मतलब रिवाइव हो चुके हैं और यहाँ पे मतलब AWM हाथ लग चुकी है, तो मतलब हेडशॉट देना पड़ेगा। अब देखो हेडशॉट लगता है कि नहीं। तो हाँ भाई, हेडशॉट तो नहीं लगा, बॉडी शॉट लगा या क्या लगा, लेकिन बंदा नॉक। और मतलब बंदे ने नेड वगैरह सब कर ही लिया था, लेकिन फिर भी बंदा नॉक। तो अब सीधा रश करेंगे और मतलब देखते हैं कहाँ पे बाकी बंदे हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक माउली वगैरह करता हूँ, जिससे कुछ उखड़ने नहीं वाला, वो आपको भी पता है। तो देखो यहाँ पे मैं रश क्यों नहीं कर रहा था, मुझे सिर्फ डर था इस 12K का। और यहाँ पे मैं इस एक बंदे को पेलने आता हूँ, जो कि मतलब एक बॉट होता है कि क्या, मतलब ये बॉट को पेल लेता है बंदा। तो मैं इसे सीधा गाड़ी से पेलता हूँ और उसके बाद मतलब जिनको वो नॉक किया था ना, उन्हें ही पेलने वापस चलते हैं। और यहाँ पे मुझे एक और गाड़ी दिखती है जो कि आप देख रहे हो, तो उसके बाद मैं सीधा गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ, मतलब एनर्जी वगैरह करके। और मतलब निपटाएंगे इन बंदों को, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन देखो क्या होता है। तो यार ये वही बंदा जिसको मैंने वहाँ पहले M4 से स्प्रे चिपकाया था, लेकिन मैं आया था रश करने तब एक गाड़ी आ गई थी, है ना। तो वही बंदा, ये हरा वाला, मतलब हरे कपड़े पहने थे भाई ने। और जिसको मैंने AWM से नॉक किया, वो तो भाई पता नहीं कहाँ पे है, तो वो शायद रिवाइव हो जाएगा। और लास्ट में मतलब लास्ट में नहीं, बीच में देखो उससे कितने खतरनाक पंगे होते हैं मेरे। और यार एक बात नोटिस करो, इन दोनों बंदों को रश करने की मतलब बहुत ज़्यादा खुजली थी, पता नहीं स्मोक वगैरह करके भैया रश करे जा रहा है। तो भैया आप देखो थोड़े गलत सीन, लेकिन गलत सीन से मैं कैसे निकलता हूँ वो देखो आप। Enemy down. तो हाँ यार, इस चीज़ के लिए एक लाइक करना नहीं। मैं AWM का शॉट चिपकाता हूँ उसे, और उसके बाद आपको लग रहा होगा कि ये नीचे कूद क्यों गया। भैया मैं कूदा नहीं, मेरा मतलब जंप पे बटन अपने आप ही हाथ चल जाता है, देखो। तो यहाँ पे जंप कर देता हूँ और उसके बाद मेरा बंदा क्लाइम करके नीचे कूद जाता है। वो तो अच्छा हुआ भैया क्राउच एंड फायर कर दिया, नहीं तो भैया पेटी यहीं पे बनती है और इस मैच में भी मतलब चिकन मुँह से निकल जाता, मुँह से मतलब अपने मुँह के सामने से चिकन चल जाता। तो इस बंदे को पेला, और यार शायद से वो AWM वाला बंदा जिसको मैंने पहले नॉक किया था वो मर गया वहाँ पे, मतलब क्या सीन था उसके साथ पता नहीं, मैं इतना ध्यान नहीं देता। ये बंदा वही हरे कपड़े वाला था, मैंने बोला था उससे पंगे हो गए, लेकिन आपको क्या करना है भैया, पंगे किसी से भी हुए लेकिन मतलब खतरनाक पंगे, मतलब मुँह के सामने से चिकन निकलने वाला था। तो यहाँ पे मैं गाड़ी चेंज करता हूँ और मुझे लगा यहाँ पे पीछे एक बॉट है, तो मैं बॉट चेक करने आता हूँ। तो एक बॉट होता है, तो इसे सीधा पेलेंगे। Enemy down. तो यहाँ पे एक बॉट होता है, लेकिन दूसरा बॉट नहीं होता, दूसरा एक गिल्ली सूट में एक बंदा होता है, और जो कि मुझे बहुत हल्के में लेगा। तो यार इसके साथ क्या करेंगे आप देखो। तो गाड़ी उठा के यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे स्टाइल में गाड़ी रोकता हूँ, और उसके बाद वहाँ पे सामने मतलब बंदा है, एक ही बंदा दो जन की पेटी बना देता है। उसके बाद देखो वो बंदा यही है, शायद यही बंदा है। तो यहाँ पे मैं इस बंदे को AWM से पेलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भैया कुछ होता नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा और टाइम पास करने के बाद देखो क्या होता है।
तो हाँ, इस बार मैंने WM चिपकाया और M4 का स्प्रे दिया, लेकिन ये बंदा नॉक नहीं होता। लेकिन ये बंदा बार बार मतलब पीक करे जा रहा था, मतलब काफ़ी हल्के में ले रहा था। लेकिन देखो इसे कैसे बेलते हैं। तो भाई इस बार AWM चिपक गई भाई के, और इस बार भैया नॉक, सीधा नॉक हुए, और इसकी अब सीधा पेटी डलने वाली है। तो देखो यहाँ पे एक ड्रॉप आया होता है, और मैं चाहता नहीं था कि कोई भी बंदा उस ड्रॉप के पास चला जाए, क्योंकि ड्रॉप में हो सकती है RPG, और RPG अगर हो गई तो भैया हो जाएंगे गलत सीन। अब यहाँ पे सिर्फ दो बंदे अलाए हुए, और वो दो बंदे मतलब एक ही टीम के है या फिर अलग अलग टीम के, ये मुझे पता नहीं है, तो लेकिन देखेंगे। और वो गिल्ली सूट वाला बंदा वहाँ सामने घर में आ चुका है। मतलब दो बंदे अलाइव थे और एक बंदे को तो ये गिल्ली सूट वाला ही पेल देता है। मतलब जिसके पास S12K हो ना, वो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं। और ये गिल्ली सूट वाला बंदा मतलब हल्के में लेता है कि मतलब उसके पास S12K है। तो यार वो मेरे पे मतलब उस बंदे को पेलने के बाद यहाँ पे देखो कैसे रश करने की कोशिश करता है, क्योंकि यार उसे पता है वो लॉन्ग रेंज से कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो भैया धीरे धीरे करके पास आ रहे होते हैं और मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके डैमेज दे रहा होता हूँ। तो यार यहाँ पे मैं डैमेज वगैरह देता हूँ, लेकिन भाई वो ठिलता नहीं, वो क्लोज रेंज ही करना चाहता था। यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि भैया के पास है S12K। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर आता हूँ और देख रहा हूँ मतलब कहाँ से नेड कर रहा है और किसके ऊपर नेड कर रहा है, मतलब पता ही नहीं। Enemy down. तो यार मतलब देख रहे हो बंदा मतलब पहले भागता है और उसके बाद मैं उसे डैमेज देता हूँ, तो भाई लेट जाते हैं, उसे लगता है मतलब मैं उसे देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो भैया सांप बनने की आदत, यहाँ पे वो सांप बनता है और उसके बाद मैं इसकी सीधा पेटी बनाता हूँ। तो हाँ यार, जो था आज के लिए बस इतना ही था। होप आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भैया करो सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है यार वीडियो अच्छी नहीं लगी तो करो सब्सक्राइब, और यार शेयर वगैरह कर देना। देखो यार तुम्हारे भाई का ही चैनल है। और हाँ यार, इंस्टा पे फॉलो करना है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे भी मैं ऐसे ही सस्ती गेम प्ले की छोटी छोटी क्लिप डालते रहता हूँ। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, बाय।